गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम इन माय साइंस क्लास। यस्टरडे वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर, सो टुडे वी हैव टू राइट द समरी ऑफ द चैप्टर। ओके, दिस चैप्टर इज हैविंग अ वेरी लॉन्ग समरी, सो वी विल नॉट राइट दिस। इफ सम स्टूडेंट्स हैव नॉट रिटन एनीथिंग अबाउट द चैप्टर, दोज स्टूडेंट्स कैन राइट द समरी। बट the students who have written the chapter, whatever I have discussed earlier, they will not write the summary, ठीक है बच्चों? जिन बच्चों ने अभी तक मैंने जितना लिखने को बोला है उतना सब कुछ लिख के मुझे दिखाया है, तो उन्हें summary लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिन बच्चों ने कुछ भी लिख कर नहीं दिखाया है इस chapter के बारे में, वो summary ज़रूर से लिख लेंगे। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, तो summary के सारे points लिखने के बाद, summary ये what you have learned में जो आपको सारे point दिखाई दे रहे हैं, ये सारे points आपको लिखने हैं उन बच्चों को जिन्होंने अभी तक कुछ भी लिख के नहीं दिखाया है। ठीक है, और जिन बच्चों ने मुझे लगातार लिख करके अपना होमवर्क दिखाया है, उन्हें समरी लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि समरी की सारी बातें हमने ऑलरेडी लिख रखी हैं। ठीक है, चलिए लेट अस मूव टुवर्ड्स एक्सरसाइज। देर आर 12 क्वेश्चन इन द एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन हैं? 12 क्वेश्चन। तो हम लोग 4-4 करके क्वेश्चन करेंगे हर लेक्चर में। ठीक है, तो 3 दिन में हम ये एक्सरसाइज कम्प्लीट करेंगे। एवरी डे वी विल डू 4 क्वेश्चन। ओके, so let us start with the first question. Name the elements that determine the weather of a place. ठीक है, elements of weather मैंने आपको starting में ही बताया था ना, तो यहाँ पर उन्हीं elements के बारे में बताना है कि कितने elements हैं weather के जो कि किसी place का weather decide करते हैं। ठीक है, क्या क्या है वो elements? answer वन में हम क्या लिखेंगे? सबसे पहला क्या है, आप हेडिंग डाल लेंगे इसमें, एलिमेंट्स ऑफ वेदर। ठीक है, इसमें हेडिंग डाली आपने, फिर नंबर वन लिख लेंगे हम टेम्परेचर, नंबर टू रेनफॉल, नंबर थ्री ह्यूमिडिटी, नंबर फोर विंड स्पीड। ये सब क्या है? किसी भी एरिया के वेदर को डिसाइड करने वाले एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये चार काफ़ी हैं, आप आंसर वन में ये चारों पॉइंट्स लिख लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन वन हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर टू, When are the maximum and minimum temperatures likely to occur during the day? पूरे दिन भर में कब हमें maximum temperature मिलता है और कब minimum temperature मिलता है? ठीक है, तो अभी हम question number टू करेंगे, तो मैं इसको मिटा दूँ। Let us move towards answer टू। What is answer टू? When are the maximum and minimum temperature occurs during the day? तो लिखेंगे हम लोग maximum temperature afternoon में होता है और minimum temperature early in the morning, हमने पढ़ा है ना, तो वही बात हम यहाँ लिखेंगे, maximum temperature occur occur maximum temperature occur in the afternoon, while minimum temperature occur in early 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 morning. ठीक है,
मैं फिर से पढ़ देती हूँ उसको. मैक्सिमम टेम्परेचर ऑकर इन द आफ्टरनून वाइल मिनिमम टेम्परेचर ऑकर इन अर्ली मॉर्निंग. एक्चुअली क्या है कि मैं अपनी फिंगर से लिख रही हूँ बच्चों और स्पेस इज़ वेरी लेस, दैट्स वाई माई राइटिंग इज़ वेरी पुअर. बट एक्चुअली माई राइटिंग इज़ नॉट दैट मच पुअर, इट इज़ वेरी गुड. बट दिस टाइम आई एम हेल्पलेस बिकॉज आई एम राइटिंग विद माई फिंगर्स. ओके, तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा. चलिए मैं और सुंदर लिखने की कोशिश करती हूँ. लेट मी राइट द आंसर थ्री. क्वेश्चन नंबर थ्री इज फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स वन बाई वन हम लोग पढ़ेंगे और करते जाएंगे. ठीक है, लेट मी रब दिस फर्स्ट. मुझे ये मिटा देने दीजिए, आप इसको पॉज करके लिख लेंगे जब भी लिखेंगे. ये टू नहीं मिट रहा, कोई बात नहीं. चलिए फिल इन द ब्लैंक्स, लेट अस डू फिल इन द ब्लैंक्स. ठीक है, द फर्स्ट वन इज द एवरेज वेदर टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड. जब हम लोग एवरेज वेदर लेते हैं लंबे समय के बाद 25 सालों तक, तो क्या बोलते हैं उसको? क्लाइमेट. वेरी गुड. तो यहाँ हम लोग फर्स्ट वाले में यहाँ पे भरेंगे क्लाइमेट. ठीक है, द सेकेंड वन, अ प्लेस रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल एंड द टेम्परेचर इज हाई थ्रू आउट द ईयर, द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस विल बी. मतलब एक प्लेस है जहाँ पे पानी बहुत कम बरसता है और टेम्परेचर हमेशा हाई रहता है. ठीक है, पानी कम बरसता है इसका मतलब वो ड्राई प्लेस है, टेम्परेचर हमेशा हाई रहता है इसका मतलब वो हॉट प्लेस है. तो यानी उसका क्लाइमेट कैसा हो जाएगा? हॉट एंड ड्राई. तो आप फर्स्ट वाले में यहाँ भरेंगे हॉट और सेकेंड वाले में आप यहाँ भरेंगे ड्राई. ठीक है, हॉट एंड ड्राई. ठीक है, अब थर्ड फिर इन द ब्लैंक्स क्या है? द टू रीजन्स ऑफ द अर्थ विथ एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस आर. हमने दो रीजन के बारे में इस चैप्टर में पढ़ा है, जिसमें एक में पोलर बियर के बारे में पढ़ा था, एक में एलिफेंट वगैरह के बारे में पढ़ा था ना. तो वो दोनों रीजन कौन कौन से थे? वेरी गुड. फर्स्ट वन इज पोलर रीजन एंड द सेकेंड वन इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल रीजन. ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे फर्स्ट वाले में पोलर. द टू रीजन्स ऑफ द अर्थ विथ एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस आर पोलर एंड ट्रॉपिकल. ठीक है, पहले वाले में पोलर, दूसरे वाले में आप भर लेंगे ट्रॉपिकल. तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री कंप्लीट हो गया. लेट अस मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर फोर. ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ बढ़ते हैं. बिफोर दिस लेट मी रब दिस. ओके, लेट अस मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर फोर. इंडिकेट द टाइप ऑफ क्लाइमेट ऑफ द फॉलोइंग एरियाज. इन एरियाज के आपको क्लाइमेट के टाइप के बारे में बताना है कि यहाँ कैसा क्लाइमेट है. ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर का क्लाइमेट कैसा होता है बताओगे आप? इट इज़ वेरी कोल्ड क्लाइमेट, है ना? ठीक है, कभी कभी बारिश भी होती है बहुत ज़्यादा, कभी ड्राई भी रहता है. ठीक है, तो कोल्ड क्लाइमेट हम लोग लिखेंगे. केरला, केरला का क्लाइमेट कैसा होता है? केरल में तो बहुत ठंड तो पड़ती नहीं है, है ना? तो ह्यूमिड क्लाइमेट हमेशा रहता है, यहाँ हमेशा पानी बरसता रहता है, तो आप इसमें लिख लेंगे ह्यूमिड. ठीक है, राजस्थान, राजस्थान हमेशा हॉट रहता है और ड्राई रहता है, तो आप लिखेंगे हॉट एंड ड्राई राजस्थान वाले में. ठीक है, एंड द लास्ट वन इज नॉर्थ ईस्ट. नॉर्थ ईस्ट में क्या होता है? वेट एंड ह्यूमिड, हमेशा बारिश होती रहती है, हमेशा भीगा हुआ रहता है ना, तो ह्यूमिडिटी वहाँ बहुत ज़्यादा होती है, वेट एंड ह्यूमिड. ठीक है, तो ये पहले वाले में आप लिखेंगे हॉट, सॉरी पहले वाले में आप लिखेंगे कोल्ड, दूसरे वाले में लिखेंगे आप ह्यूमिड,
तीसरे वाले में हॉट एंड ड्राई, और चौथे में आप लिखेंगे वेट एंड ह्यूमिड। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक एक्सरसाइज करके मुझे ज़रूर दिखाएंगे, और जिन बच्चों ने कुछ भी नहीं लिखा है वो समरी लिखने के बाद इसको करके दिखाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल मीट टुमारो विथ अनदर 4 क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू वेरी मच।